हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? तो हम करने वाले एक वीडियो ऑन साइंस ऑफ यूनियन। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब हम लोग ट्विन फ्लेम यूनियन में आने वाले होते हैं। कौन से साइंस होते हैं जो हमें पता चलता है कि हम लोग यूनियन के काफ़ी ज़्यादा करीब है। तो कुछ 11 साइंस हैं, मैंने नोट करके रखे हुए हैं और उनके ऊपर मैं थोड़ी सी बात भी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस टॉपिक पे अब हमें डिस्कस करना चालू कर देना चाहिए। यूनियन के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम फ्रेम है जब 2020 से लेकर 2024 तक, जब बहुत सारे ड्रास्टिक अनसेटलिंग मैसिव चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में। और ये ड्रास्टिक चेंजेस जो है हमें हेल्प कर रहे हैं, हील कर रहे हैं और हमें रेडी कर रहे हैं यूनियन के लिए। क्योंकि ऐसा बहुत सारे जगहों पे सुना है और बहुत सारे साइंस ऐसे मुझे मिले हैं जो मुझे बता रहे हैं कि हम बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है यूनियन में आने वाले हैं 2024 तक। तो 2020 है, 2024 तक बहुत सारे जो ये ट्विन फ्लेम का यूनियन गेट जो है खुला हुआ है, पोर्टल खुला हुआ है यूनियन के लिए, दरवाज़ा खुला हुआ है हमारे यूनियन के लिए। और हमें इसका बेनिफिट लेकर के जो है यूनियन के तरफ जाना चाहिए और हमें हमारे ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना चाहिए। तो हमें इस चीज़ का जो है बेनिफिट उठाना है। तो हम जो है ट्विन फ्लेम के ऊपर बात करने वाले हैं, ये टॉपिक को जो है कि कौन से साइंस है जब जो हमें बताएंगे कि हम लोग यूनियन में आने वाले हैं। और अब ये इसमें आप लोगों को बहुत सारे साइंस मिल सकते हैं जो आपको जिस जिस चीज़ों पे काम करना है वो आप लोगों को पता चल सकता है, वो आपको हेल्प कर सकता है ये साइंस कि क्या हो, क्या क्या चीज़ें जो हमें ट्रिगर करती है हमें पता चलेगा, तो हम लोग उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो पहला हमारा साइन जो है वो है जीरो नेगेटिविटी, एंगर एंड सैडनेस टुवर्ड्स आर ट्विन फ्लेम। ठीक है, जब हम लोग अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हैं तो हमें नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आते, गुस्सा नहीं आता है, दुखी नहीं होता है। पास्ट की बातें जो है ट्विन फ्लेम के बारे में याद करके हम लोगों को मतलब अपसेट नहीं होता है, मतलब हम ट्रिगर नहीं होते हैं कि इन्होंने हमारे साथ ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, और हम लोग नेगेटिव नहीं फील करते हैं उनके बारे में। हम लोग काफ़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नथिंग मतलब महसूस कर सकते हैं या कुछ अच्छे फीलिंग्स आ सकते हैं, या हम लोग शायद अच्छे टाइम्स के ऊपर भी जो है सोच सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि ये किया है, हम लोग शायद हमारा जो है कॉन्सेप्ट इस पर शिफ्ट हो जाएगा कि ये हम लोगों का अच्छा टाइम बीता था। ठीक है, इसके बारे में मुझे पता है क्योंकि आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज समवॉट, जहाँ पे मेरे को अभी नेगेटिविटी, एंगर, सैडनेस कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं जब अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचती हूँ तो कभी कभी मुझे ना तो कुछ कुछ नहीं फील होता है, या तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो है मुझे अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि ये साइन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि आप लोगों को जीरो नेगेटिविटी रहती है जब आप लोग यूनियन में आने वाले होते हो, या आप लोगों को पॉजिटिविटी रहती है, या अच्छे टाइम्स याद आते हैं, जैसे यू फील एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर नो रीज़न। ये मेरे साथ कई बार होता है, तो मैंने सोचा इस चीज़ को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि मुझे पता नहीं होता है लेकिन मुझे बहुत हाई एनर्जी फील होता है, खुशी फील होती है, पॉजिटिविटी फील होती है। दो मुझे कोई साइन और सिम्टम मतलब जो कुछ ऐसा सिचुएशन जो है 3D दुनिया में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्रॉम द हार्ट विद इन, फ्रॉम द सोल नोज कि हम लोग अब हमारे साथ क्या होने वाला है। हमारे हायर सेल्फ को पता होता है कि हमारे लिए कुछ अच्छा आने वाला है लाइफ में, कुछ पॉजिटिव आने वाला है, इसलिए हम लोग शायद कहीं ना कहीं खुश होने लग जाते हैं विदाउट एनी रीज़न, और हाई एनर्जी फील करने लगते हैं। फिर यू आर नो लॉन्गर बींग चेस्ड बाय सिंक्रोनिसिटीज़। ठीक है, सिंक्रोनिसिटीज़ क्या होते हैं? 11-11, 1-1-1, 2-2-2, 9-9-9, 8-8-8, ये सब चीज़ें जो है अब जब हम अपने ट्विन फ्लेम के बारे में सोचते हैं, उनका नाम हर जगह पे दिखना, उनका साइंस दिखना कि वो हम लोगों को बहुत जल्द मिलने वाले, ये सब जो सिंक्रेनिसिटीज रहते हैं हमें उस पाथ पे लाने के लिए रहते हैं कि भाई यही सही पाथ है और हम लोग को यही फॉलो करके यूनियन की तरफ जाना है। जब हम लोग ऑलरेडी मतलब ये सही पाथ फॉलो कर रहे हैं तो सिंक्रेनिसिटीज बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये साइंस और सिम्टम्स दिखना कम हो जाते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ऑन द राइट पाथ। वो हमें गाइड करने के लिए होता है कि हमें अभी एक चीज़ पे काम करना है। ठीक है, तो
मतलब ये जो 444 और ये सब साइंस एंजल साइंस भी होते हैं, इसमें एंजल्स भी हमें मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम में ये सिंक्रेनिसिटीज तब आते हैं जब हम लोगों को वो राइट पाथ पे गाइड करना चाहते हैं कि भाई हम लोगों का ट्विन फ्लेम का रास्ता ये है, हम लोग की जर्नी ये है और अब हम लोगों को इसको फॉलो करना है, या हम लोग अगर कहीं पाथ से भटक रहे हैं या कभी हम लोग लो एनर्जी फील करते तो हमें पॉजिटिव करने के लिए साइंस और सिंक्रेनिसिटीज आ जाते हैं, हमें गाइड मोटिवेट करने के लिए कि वी शुड स्टिल वर्क हार्ड ऑन दिस पाथ, हम लोग को अभी भी काम है करना चाहिए इसके ऊपर, हम लोग को गिव अप नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम लोग बहुत जो है सोच लेते हैं कि अभी हम लोग को मूव ऑन करना है, तो हम लोग को उस पाथ पे पकड़ के रखने के लिए साइंस और सिंक्रेनिसिटीज होते हैं, लेकिन अगर हम लोग उस पाथ में ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उस पाथ में हम लोग ने डिसाइड कर लिया है और हम लोग अब उस पाथ पे फिक्स हो चुके हैं और अब हम उस चीज़ को बिलीव करने लगते हैं, तो साइंस और सिंक्रेनिसिटीज जो है वो कंसिडरेबली कम हो जाते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल लिविंग, फाइनेंशियल कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस आर ऑल अप टू आर स्टैंडर्ड्स एंड यू आर कंफर्टेबली हैप्पी। यस, ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ये जो आप लोगों चाहते थे, जैसी लाइफ आप लोग चाहते थे वैसा लाइफ ऑलरेडी आप जी रहे होते हो। ये नहीं होता कि जब हमारे ट्विन फ्लेम आएंगे तब हम वो लाइफ जिएंगे, अगर आप लोग उस स्टेट पे हो तो आप लोग यूनियन से कई कई ज़्यादा दूर हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग जो है इतने ज़्यादा इन हैप्पीनेस और कंफर्ट और ये सब में आप पहले ही आ जाते हो, आप इस वाइब्रेशन में पहले ही आ जाते हो बिफोर आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलने वाले हो। ठीक है, फिर यू आर एबल टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। ऑब्वियसली मैंने आप लोगों से पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप लोग कहीं यहाँ हो और आपकी ट्विन फ्लेम यहाँ है तो आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते उनको, क्योंकि आप लोग बहुत नीचे वाइब्रेशन में हो। अगर आप लोग मतलब यहाँ पर हो तो आप लोगों को जो भी है उसके नीचे का आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो क्या हो जाता है, जब आप लोग ऑलरेडी इन द पाथ टू यूनियन होते हो, आप लोग ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुके हो, आप लोगों की ऑलरेडी हीलिंग हो चुकी होती है, तो आपका वाइब्रेशन जो है ऑलरेडी रेज हो चुका होता है, तो जो है कहीं ना कहीं आप लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और वो ईजिली हो जाता है। तो आप लोगों को इंक्लूडिंग योर ट्विन फ्लेम आप लोग कुछ भी जो है बहुत ईजिली मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी पास थ्रू द डार्क नाइट ऑफ द सोल, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये डार्क नाइट ऑफ द सोल क्या चीज़ है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब होता है जब आप लोग वो फेज में हो जाते हो जब सब लोग जो है आप लोगों के करीब आप लोग से दूर होने लग जाते हैं, आप लोगों को अपने सारे जो है नेगेटिविटी आप लोगों के अंदर भर जाती है कि मेरे लिए कोई भी नहीं है और ये सब जो जब चीज़ें आती है आई डोंट डिजर्व एनीथिंग और ये सब, जो हमारी ट्विन फ्लेम जो है अब जा पास हो रहे हैं उस डार्क नाइट ऑफ द सोल के फेस से, हम लोग ऑलरेडी उस फेस से गुजर चुके होते हैं इसलिए हम लोग उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रियलाइज्ड होते हैं, लेकिन ये एक डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड रहता है जिसमें हम लोगों को बहुत सारे ट्रिगर्स और बहुत सारी जो है हमारी फीलिंग्स, बहुत सारे चीज़ें हर्ट कर रही होती है और ये एक लंबा फेज होता है, ये ऐसे नहीं होता है कि भाई यहाँ शुरू हुआ यहाँ ख़त्म हो गया, ये कुछ ईयर्स का फेज होता है। आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा और आप शायद इसमें हो भी अभी, तो कुछ कुछ लोग जो है इस चैनल पे वो अभी इस डार्क नाइट ऑफ द सोल को फेस भी कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप लोग इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से बाहर आ जाते हो, मतलब आप लोग जो है वो ट्रिगर्स और ये सब अब आप लोगों को अफेक्ट नहीं करते, अगर आप लोगों को जो है मैं कह सकती हूँ कि कोई ना भी हो आप लोगों के लाइफ में, तो आप लोगों को पता है कि यू आर द कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस और आप लोग को कोई बाहर से खुशी नहीं दे सकता और आप अपने अंदर हार्मनी में हो, तो आप लोग इस डार्क नाइट ऑफ द सोल पीरियड से ऑलरेडी गुजर चुके होते हैं और ये कंप्लीट हो चुका होता है, तब जो है आप लोग यूनियन के पाथ में और आगे बढ़ते हो और मैनिफेस्ट करना चालू कर देते हो और बहुत एक्साइटिंग और अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ होना शुरू हो जाती है। तो फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा सेवेंथ साइन ये है कि यू आर फुल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मिररिंग, राइट। ये जो मिररिंग है आप लोग समझते हो, आप लोगों को पता होता है जब कि आप लोग के अंदर जो है, आप लोग के जो फीलिंग्स है अपने बारे में, आप लोगों के जो चीज़ें हैं अपने बारे में, जो भी आप अपने बारे में सोचते हो, वो जब आप लोग समझ जाते हो कि वही जो आप लोग के अंदर है वो आप लोग बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये है कॉन्सेप्ट ऑफ मिररिंग। तो जो आपके अंदर है वही लोग आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो ये जो है जब आप समझ जाओ और आप अपने आप को हील करने लग जाओ
तो ये हो जाता है कि आपने ऑलरेडी द कॉन्सेप्ट ऑफ मिररिंग समझ लिया है और अब आप इस चीज से बाहर आ सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने डिवाइन मैस्कुलिन के चीजों को तक मिरर करते हैं। मैंने ऐसा बहुत बार एक्सपीरियंस किया है कि मैंने अपने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज को बहुत बार मिरर किया है, बहुत बार ऐसा फील किया है कि जैसे वो फील करते हैं उस सिचुएशन में। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट इज़ गुड, ये अच्छी चीज़ है कि हम लोग जो है वो जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हम लोग भी एक्सपीरियंस करें, ताकि हम लोग जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सके। क्योंकि हम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू एज अ डिवाइन फेमिनिन बहुत अलग रहता है और उन लोगों का फीलिंग एज अ डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अलग रहता है। उनके लिए ये दुनिया बहुत रियल रहती है, ये दुनिया में लोग क्या कहेंगे उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं हर एक चीज़ के ऊपर, बहुत ज़्यादा उनके प्लान्स रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा उनके कंट्रोल इश्यूज़ रहते हैं। तो ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बर्डन्स अपने ऊपर लेते हैं, और ये सब जो है हम लोग कभी कभी अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी वो भी हम पे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बात करें हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से और अचानक हम लोग को नेगेटिविटी फील हो गई, या मुझे ऐसा लगता है कहीं हम लोग बात कर रहे हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं और हम लोग उनकी तरह एक्ट करने लग जाए किसी सिचुएशन में। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो ये मिररिंग का कॉन्सेप्ट जब समझ में आता है हम लोगों को कि मतलब वो मिररिंग कभी कभी ऐसे भी इसीलिए होता है क्योंकि हम लोगों को मतलब एक दूसरे को ट्रिगर करके हील कर रहे होते हैं इस चीज़ से। ठीक है, तो अभी हम लोगों का जो एथ साइन है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू बम्स हियर एंड देयर, देयर इज अ स्मूथ इंटरेक्शन एंड नो ड्रामा। अगर आपके लाइफ में अब लोगों के साथ कोई इश्यूज नहीं होते हैं, आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज का प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ में कुछ ड्रामा नहीं हो रहा है आपके, आप लोगों को लाइफ में ड्रामा का मतलब आप लोगों को अब तक तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भाई कितना मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपके बचपन के इश्यूज, अगर आपको चाइल्डहुड में ऐसा नहीं फील हुआ दैट यू आर मोर लव्ड या ऐसा कुछ, और ये सब जो है आप लोग उस मतलब टर्म्स में रिएक्ट करते हो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ या अपने एक्स के साथ या जो भी है, वो जो है जो आपको मतलब जो आपके कम्युनिकेशन रहते हैं लोगों के साथ, जो आपको छोड़ के चले गए हैं तो आप उनको ताने मारते हो, ये सब जो है ख़त्म हो जाता है। और जो सारा ड्रामा है अगर आपके लाइफ में से जा चुका है तो फिर आप ट्विन फ्लेम यूनियन में आने के लिए रेडी हो जाते हो। ठीक है, नॉट केयरिंग मच अबाउट द यूनियन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है क्योंकि जैसे आप लोग मुझे देख सकते हो, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट यूनियन, क्योंकि पता है कि हम लोग इस लाइफ में डेफिनेटली मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है कि हम लोग मिलेंगे। हम लोगों को मतलब बार बार ये साइंस और बार बार टैरो जाके देखने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमारी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है और हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम लोग जो है ये सब कर सके। हम लोग अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, इन्जॉय कर रहे होते हैं, बिजी होते हैं, तो बाहर की चीज़ें जो है और यूनियन जो है हमारे लिए इतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम लोग अपने अंदर ही इतनी खुशी और शांति और जो हम लोगों को करना होता है, इसलिए हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है कि वो हम लोग के लिए करें। हम लोग ऑलरेडी जो हमें चाहिए होता है हम लोग हमारे लिए कर रहे होते हैं और हम लोग जो है अपने आप को लव कर रहे होते हैं, अपने लिए अच्छा फील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जब वो फलाना फलाना आ जाएगा तब हम लोग अपनी लाइफ अच्छे से जिएंगे या तब हम लोग तैयार होंगे या तब हम लोग जो है कहीं घूमने जाएंगे या मॉल में जाएंगे या वॉट एवर। मेरे साथ ऐसा नहीं होता, ना ही मैं किसी के लिए वेट करती हूँ, ना ही कुछ मुझे तैयार होने का शौक होता है, मैं ऐसे ही तैयार होकर आप लोग के लिए वीडियोस बना लेती हूँ, कहीं बाहर खुद ही चले जाती हूँ, मूवीज घर पे ही बना के देख लेती हूँ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ चली जाती हूँ। आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनीबडी, और आप लोग भी कभी नहीं वेट करोगे अपने ट्विन फ्लेम के यूनियन के लिए। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा यूनियन के करीब हो तो आप लोग के पास ये अंडरस्टैंडिंग रहती है। ठीक है, ठीक है, अब हमारा है इफ़ अग्रीमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग विथ ट्विन फ्लेम डज नॉट हर्ट यू एनी मोर। बिल्कुल सही बात है, आपको आपके ट्विन फ्लेम बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं कर सकते हैं अगर आप लोग जो है यूनियन के आप लोग अपने आप को हील कर चुके हो तो। जैसे आप लोग के यूनियन ट्विन फ्लेम अगर आपसे कहना चाहे कि डोंट टॉक टू मी, आई डोंट वांट टू बी विथ यू, प्लीज़ गिव मी अ ब्रेक, और ये सब अगर आप लोगों को अभी भी ट्रिगर करता है तो
बिल्कुल भी आप यूनियन में नहीं आ सकते हो। ये मतलब अगर आपको ये ट्रिगर करता है, अभी भी ये सारी चीजें अफेक्ट करती है, तो यूनियन के लिए आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो। आप लोगों को मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होते ही आप लोग बहुत ज़्यादा हर्ट में आ जाते हो, ईगो एंगर में आ जाते हो, या कुछ बहुत सारी चीज़ें जो होती है ट्रिगर हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर करती, बहुत सारे साइंस ट्रिगर करने के लिए आ जाते हैं। सिर्फ ट्विन फ्लेम के साथ नहीं, एक टाइम ऐसा था जब मैं मूवी से ट्रिगर हो जाती थी, लाइक कलंक देख के ट्रिगर हो गई मैं एकदम कम्प्लीटली, और वो मैंने दो बार देखा, मैं दो तीन बार देखी हूँ, दो तीन बार मैं ट्रिगर हुई हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि अब मैं जब इस कंडीशन में हूँ आज, तो मैंने अभी भी एक आध बार देखने की कोशिश की टू सी इफ दिस मूवी अफेक्ट्स मी एनी मोर, तो वो अब बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती। लेकिन जब वो मूवी आई थी और मैंने उसको पहली बार थिएटर में देखा था, इट वॉज़ वेरी हर्टफुल और ट्रिगरिंग फॉर मी। अगर आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो आप लोग भी समझोगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। और जो हमारा लास्ट साइन है, यू आर अ वाइब्रेशनल मैच फॉर योर ट्विन। तो अगर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम के सेम वाइब्रेशन में आ गए हो तो आप लोगों को फील होगा, क्योंकि वो आप लोग से अट्रैक्ट होकर आप लोग से बात करना शुरू कर देंगे और आप लोग नो लॉन्गर इन सेपरेशन रहेंगे। तो जब आप लोग यूनियन या यूनियन के करीब भी होंगे तो आप लोग अपने ट्विन फ्लेम से बात कर रहे होंगे, और उनकी जो है आप उनको समझ रहे होंगे कि वो किस पार्ट में है और वो कैसे किस सिचुएशंस में है और जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये सिचुएशन ऐसा है। आप लोग उनको पर्सनली नहीं लोगे कहने का मतलब, और इस वजह से आप बहुत हाई वाइब्रेशनल होंगे और ये आपके ट्विन फ्लेम को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा और यूनियन को जो है बहुत जल्दी अट्रैक्ट करेगा आप लोग के लिए। तो आई होप आप लोग को ये जो है 11 साइंस ऑफ यूनियन पसंद आए हो और आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके जर्नी में। और मैं चाहती भी हूँ कि अब हम लोग जो है बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स जो है यहाँ पर हम लोग जो है यूनियन की बातें करें और यूनियन के लिए ट्विन फ्लेम रीडिंग्स करें और यूनियन के लिए ही वर्क हार्ड करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।